कानपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे, जिनमें इनकाउंटर के दौरान 8 पुलिसकर्मी जो जिसमें शहीद हो गए थे, जिनमें पुलिसकर्मी वहां पर सर्च करने के लिए आए हुए थे विकास दुबे को ढूंढने के लिए, जिसमें उसने ताबड़तोड़ तरीके से किस हिंसक तरीके से उसने गोलियां चलाकर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था, जिसमें कमांडिंग अफसर मौजूद थे, SO साहब प्लस 6 जवान और थे, तो टोटल मिला के 8 जवान उसने शहीद किए थे। 8 जवानों के परिवार में इस तरीके से उसने इतनी आसानी से अंधेरा कर दिया था, जिसमें जो है कभी भी वो उजाला उनके परिजन रहने से जो उजाला उस घर में होता वो उजाला भी ज़िंदगी भर के लिए नहीं हो पाएगा। और पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन ने इसमें बहुत ही बढ़िया और शानदार काम किया। इसके जितने भी गुर्गे थे ना, उनका सबका काम तमाम किया, ढूंढ ढूंढ कर निकाल के ठोक रहे हैं पुलिस वाले, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसमें 2-4 एक्स्ट्रा अगर गुर्गे जो साले इस तरीके से उठ के जो है अपने को बहुत ज़्यादा फंडे का समझते ना, गुर्गे 2-4 और पर टपका दिया भी जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस निर्दोष दी जाना चाहिए। बाकी ऐसे गुर्गों का काम तमाम होते रहना चाहिए। और विकास दुबे को जो है पुलिस ने जो है बहुत जल्दी ढूंढ निकाला, वो कहाँ छुपता, जब भी पुलिस जो है ना उसको पाताल से भी ढूंढ निकालती है, ठीक है। अभी जितने गैंगस्टर है ना, जितने भी ये अपने को बहुत बड़ा फंडे का तोपखाने समझते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा अपने को बहुत बड़ा हीरो, तो देख लेना तुम्हारा हर भी ऐसा ही होगा, किस तरीके से उसके घरों को नेस्तनाबूत किया, किस तरीके से उसकी गाड़ियों को तोड़ा, किस तरीके से उसके चमचों को एक एक करके उड़ाया है ना पुलिस वालों ने, ठीक है, और कितने पकड़ के अंदर कर दिए हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनका अंजाम क्या होगा जब चलेगा ना उनका टॉर्चर, ठीक है, जब डिग्रियाँ इस्तेमाल होंगी ना, तो जिंदगी पूरे जहन्नुम में यमराज भी साक्षात नज़र आएंगे उन हरामखोरों को, ठीक है। पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमन अदा करता हूँ, इंडियन आर्मी का सोल्जर नमन अदा करता है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही जल्दी उसको ढूंढ निकाला और उसको पकड़ा। मेरा कहना तो ये था कि सर अगर प्लीज़ मेहरबानी करके जिस तरीके से उसने 8 जवानों को इस दुनिया से रुखसत किया और शहीद कर दिया ना, उनके 8 परिवारों के, पुलिस प्रशासन के 8 परिवार के मेम्बरों के घर के अंदर जो उसने सोनापन ला दिया ना, जिसकी भरपाई अब कभी किसी भी चीज़ से हो नहीं सकती है, तो उसको अगर वहीं इसका इनकाउंटर हो जाता तो बहुत ही मज़ा आता। और इतनी गोलियाँ डालनी थी, ठीक है, ताकि दुनिया हिल जाए, और दुनिया हिल गई है और इंडिया हिल गया। पुलिस का काम देख के ना अच्छे अच्छे बदमाश हिल गए हैं, इनकी पैंट गीली हो गई है कि अगर गलती से भी कोई गलती कर दी तो पुलिस वाले किस तरीके से अपना इनकाउंटर करते हैं ना सही तरीके से, अब इनको भी पता चल गया है। और जो मिली भगत करते हैं ना, जो मिली भगत लड़ाई के लोग होते हैं ना, ये लोग जाग जाओ, अगर तुम्हें बड़ी मुश्किल से सरकार की नौकरी मिलती है ना, और वो देशभक्ति और देश मान सम्मान के लिए मिलती है, और उसमें भी तुम लोग कुछ ना कुछ उम्र कर दो, जिसकी वजह से अभी 2-3 वहाँ के जो कोर्ट ने उन्हें जेल भी भेज दिया है, 2-3 पुलिसकर्मी हैं जिनको कोर्ट ने जेल के अंदर घुसेड़ दिया है सही टाइम से। और ऐसे देश के गद्दार ना किसी काम के नहीं होते, जो ये अच्छे पुलिस वाले जो शानदार बढ़िया काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से 24 घंटे कोरोना की मार में किसी भी काम में कोई भी परेशानी हुई हमेशा अपनी ड्यूटी में रहते हैं, सेना की टक्कर का काम करते हैं, कभी दिवाली होली 15 अगस्त कितने प्रोग्रामों में ये शामिल होते हैं, सिक्योरिटी का पूरी जवाबदारी ये लोग संभालते हैं और पूरी जवाबदारी इनकी होती है, लेकिन एक दो नकारा पुलिसकर्मी की वजह से इनके ऊपर भी दाग लग जाता है, जिसको ये अच्छे पुलिसकर्मी जो है ना उसको जो है उसकी रिकवरी करने की कोशिश करते हैं अपने अच्छे कामों से। जिस जगह विकास दुबे को इतने जल्दी ढूंढ निकाला, अगर वो पताल में भी होता ना उसको पताल से भी ढूंढ के निकाल लाते, ठीक है। मेरा इतना गुस्सा है, जब जिस दिन इनकाउंटर के लिए इनकाउंटर में पुलिस वालों ने प्रशासन पर गोलियां चलाई और उसके 8 जवान दुनिया से रुखसत हुए और शहीद हुए ना, ऐसा गुस्सा आया था, ऐसा दिमाग ख़राब हुआ था। उस समय मैंने वीडियो बनाया था, बोला था कि पुलिस प्रशासन जो है इसको तकरीबन या 5-6 दिन में इसको निपटा देगी और निपटा देगी करके, और अच्छे अच्छे को निपटा भी दिया है और इसके जितने भी गुर्गे थे तकरीबन निपटा दिए हैं और कुछ पकड़ के अंदर कर दिए हैं, और उनका क्या अंजाम होगा उनकी पुस्तक है, क्या यमराज भी सबसे सामने नजर आएंगे उनको। तो पुलिस प्रशासन को बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ, और जिस तरीके से सर मेहरबानी करके जिस तरीके से इसमें एक्शन किया जाए था, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब इंसान या किसी भी उसको प्रॉब्लम होती है ना, पुलिसकर्मी अच्छे पुलिसकर्मी बहुत हैं, लेकिन इस तरह के पुलिसकर्मी, जिस तरह के पुलिसकर्मी को अभी कोर्ट की तरह से भी जेल भेज दिया गया है और ऐसे नगर जो दागदार करते हैं, मेहरबानी करके मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ सर, मेहरबानी करके ये वीडियो जहाँ का भी है, मैं वीडियो कहाँ का मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन दिल पर दर्द होता है कि ऐसे नकारा पुलिसकर्मी सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद देश की ड्यूटी में हित में अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग अपना काम नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन को बदनाम करते हैं और इनकी लाठियाँ जो है गरीब इंसानों चलती है। तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने महोदय से सर्वोच्च अधिकारी महोदय पुलिस प्रशासन के मैं दुआ कह
कह देना चाहता हूँ सर, मेहरबानी करके ऐसे लोगों को ना डेफिनेटली सस्पेंड किया जाए और उनको जेल के सलाखों में अंदर डाला जाए, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़े रोल है, अच्छे पुलिसकर्मियों के लिए एक दाग है और उनके काम में रोड़ा पटकाने वाले हैं, और नए सोल्जर जो जवान सिपाही पुलिस बल के अंदर आते हैं उनके लिए एक गंदे मैसेज है। इन लोगों को सही तरीके से जो है इनका इलाज करना चाहिए सर, मेहरबानी करके। मैं आपको एक वीडियो सर मेहरबानी करके, अगर कोई मेरा वीडियो देखा सर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्योंकि मैं ये सर उत्तर पुलिस देखे सर ये क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर, मेहरबानी करके आप देखना ठीक है। देखो ये पुलिस वाला जो भी है बड़ी, इसको देखो इसको किस लिए रखा गया है सर, सर ये इसको किस लिए रखा गया है में, सर ये इसको किस लिए रखा गया है सर दीदी, इतनी मेहरबानी करते हैं ये पुलिस वाला जो ये ये किस तरीके से लाठी भाज रहा है, किस तरीके से ये डंडे मार मार के इस तरह से पीटा जा रहा है सर, ये मेहरबानी करके ना ये देखिए सर, मतलब सर इस तरीके से कौन खोलता है सर, आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई आदेश होता नहीं होगा कि पुलिस वाले इस तरीके के बेवकूफ़ तोड़ के पुलिस प्रशासन का बदनाम करें, पुलिस प्रशासन में भाई एक धब्बा और एक दाग बने, किस तरीके से, कोई भारत का नागरिक देश नहीं है सर, क्या देश आज़ाद नहीं हुआ है, क्या अगर कोई जवान गलती करेगा उसकी सजा ये क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया या तालिबान जैसी होगी सर। ये जब ये वीडियो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ सर, मेहरबानी करके किस तरीके से इसका उपयोग किया है सर, मेहरबानी करके आप देखिए। ये घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सर, ये देखो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की है सर, जो भी ये पुलिस वाला सर मेहरबानी करके आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और मोदी जी आप भी ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, और अगर आप वीडियो नहीं देखते ना तो आपको समाज के अंदर देश के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको आप ऑनर है, आपकी जवाबदारी बनती है ठीक है, और आपको बोलना चाहिए, अगर आप नहीं बोलते हो क्योंकि आपके बोलने से पावर बनती है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी सर्वोच्च अधिकारी महोदय पुलिस प्रशासन के, और मेहरबानी करता हूँ कि ये जो भी इंसान है, ये जो भी पुलिस का जल्ला पुलिस करेंगे सर, इसकी नौकरी जानी चाहिए, ये कितने लोगों को बर्बाद करेगा, और नंबर एक का घोषकर होगा, और ये डरा डरा के लोगों से पैसे भी वसूल करता होगा, जिस तरीके से एक निर्लज गरीब इंसान को, निहत्ते इंसान को जिस तरीके से वो डंडे से पीट रहा है, और इसके साथ के जो भी पुलिसकर्मी है और जो भी गाड़ी में पूरी टीम शामिल है सर, इन पूरे को पूरे को जेल होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी है, और ये बहुत ही गलत घटना है, और मेहरबानी करके बहुत गलत है। ये देखिए सर, सर आराम से देखिए छिंदवाड़ा की, ये देखो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले की घटना है, इतने बुरी तरह कौन मारता है सर, मेहरबानी का दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो जैसा वायरल करना, अगर आप वायरल करें, अगर लाइक करोगे या वायरल नहीं करोगे मेहरबानी करके अपना नाम भी डाल दे रहे, मैंने लाइक किया ताकि मैं आप लोगों को फेसबुक से परमानेंट आउट कर दूँ, चाहे कोई भी है, और जो मैसेज को शेयर नहीं करते हैं और सिर्फ देखते हैं शूटिंग के तौर पर लेते हैं ना, मेहरबानी करके आप लोग जो लाइक वगैरह करके और कमेंट करके उसको शेयर नहीं करते हैं ना, ये टाइम पास की जो मशीन समझते हैं, मेहरबानी करके अपना नाम भी डाल देना, नहीं तो अभी मैं दोबारा रिपीट करके पूरे फेसबुक को पूरा आउट करूँगा और यूट्यूब को पूरा डिलीट करूँगा, और उसमें ढंग गिने चुने लोग भी चाहे 20-25 लोगों जो वीडियो को सही तरीके से शेयर करें उनको कलेक्ट करूँगा, और ये मैं जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि लोग शेयर करते नहीं हैं, सिर्फ अपना मजा लेके वो करते हैं, पता नहीं लोगों को शिक्षा कौन सी मिली है। मेहरबानी करके अगर कोई ऐसे वीडियो होते हैं उनको ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, इससे किसी का नाम कमाने से कोई मतलब नहीं है ठीक है, इंसानियत के नाम पर करना सीखो। तो सर मेहरबानी करके जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी महोदय जिसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ऐसे जो पुलिसकर्मी होते हैं ना, जिस तरीके से इतने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मी, जिस तरीके से विकास दुबे जिस तरीके से उसका पकड़ा था और वो बोला था मैं कानपुर का डॉन फलाना हूँ, उस तरीके के पुलिसकर्मी लाना जिसने उसके सही तरीके से थप्पड़ मारा विकास दुबे के, और सही तरीके से अपना गुस्सा निकालो, ऐसे साहसी पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है, ऐसे सम्मानित और समर्पित पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है जो अपने परिवार को छोड़ के मेरे युद्ध स्तर पर कोरोना की मार में अपना 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, छुट्टियां कैंसिल हो गए, रिश्तेदारों में मिल पा रहे हैं, माँ बाप से मिल पा रहे हैं, अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे आके बाहर आके अपना खाना खाते हैं, किस तरीके से अपना समय चल रहा है, उन पुलिसकर्मियों को तहे दिल से इंडियन आर्मी का सोल्जर तहे दिल से सलूट करता है सर। मेहरबानी करके जो एक कचड़ा पुलिस प्रशासन के अंदर भी भरा पड़ा ना, बीच बीच का जो इस तरीके के वीडियो आते हैं और कहते हैं घोष को टाइप के, और जिस तरीके से अभी इस केस के अंदर कानपुर वाले केस के अंदर 2 दिन लोगों का क्या कहते हैं रुखसत कर दिया गया है नौकरी से, और उनको कोर्ट में जेल में डालने की का आदेश दिया गया, तो ऐसा कचड़ा साफ करना बहुत ज़रूरी है। इन कचड़े को साफ होने से क्या होगा सर, इसका फ़ायदा यह होगा जो अच्छे पुलिसकर्मी जो अपने युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ना, इनको दाग में मिटाने के चक्कर में ही ना रह जाए, इन कचड़ों के दाग मिट जाए और अपने काम को अंजाम ना दे पाएँ ठीक है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन विकास दुबे को ढूंढ निकाला और उसके जितने भी गुर्गे थे ना दौड़ा दौड़ा के मारा है और इनका इनकाउंटर किया और किसको उठा उठा के लाए हैं, एक भी नहीं बचा है, इस तरीके से पूरी पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और नमन करता हूँ। और बाकी सर ये पुलिस प्रशासन इस तरीके से अच्छा काम करते रहे ताकि देश में हमारे देश पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम हो और पुलिस हर गरीब इंसान को आप पर भरोसा हो और गरीब इंसान भी आपका बड़ी हिम्मत के साथ आपके पास पहुँचे और बोले सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ मेरी हेल्प करिए करके और पुलिस के बंदे एक की जगह दस जाके वहाँ पर खड़े हों तो यार बहुत मज़ा आएगा। और ये होता भी है लेकिन दो चार कस्बों की वजह से गंदगी की वजह से प्रशासन भी दाग पड़ता है और ये हो जाता है। इसकी वजह से सबकी मीडिया होती है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है तो इस वजह से जो है और पुलिस वाले भी दागदार होते हैं। जिस तरीके से विकास दुबे को पुलिस वाले थप्पड़ मारा और वो बधाई का पात्र है और सही तरीके से उसकी औकात बताई, उसकी पैंट खींच के किस तरह से उसको कसला, उसको अपनी औकात दिखा दी है और ये ऊपर जाके भी दुनिया से जाएगा ना तो हमेशा के लिए इसकी आत्मा भी याद रहेगी और तड़पती रहेगी ढूंढते रहेगी।